हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और मुझे रिक्वेस्ट आई थी रिसेंटली कि मीलिया के ऊपर एक वीडियो बनाइए। मीलिया जो होता है ना, वो क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मीलिया देखिए फ्रेंड्स, ऐसी होती है ना कि वो एक्नी की तरह तो दिखते हैं, बट उसमें कोई भी पस वगैरह नहीं जनरेट होते हैं। और आपको उसे पोक नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज फिर वो और भी बड़े बड़े दानों में क्रिएट हो जाते हैं। तो मीलिया के जो प्रॉब्लम है ये बहुत से लोग फेस करते हैं। इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबी बॉर्न बच्चे होते हैं, उनको भी मीलिया की यू नो प्रॉब्लम्स हो जाती है। इन्फेक्शन एक तरह का बैक्टीरिया होता है, बट ये चला भी जाता है। कुछ इतने लोगों के तो अपने आप चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों के तो ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। जो घरेलू तरीका है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मीलिया से आप किस तरह से निजात पा सकते हैं। वो छोटे छोटे टाइनी बम्स की तरह होते हैं जो हमारे स्किन पे होते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे दूध पिलाती हुई मम्मी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, मीन्स उनको कैसे छोटे छोटे बॉइल्स आते हैं ना, तो वो एक दूध पिल्ली हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है कि दूध पिल्ली निकल रही है, वो ठीक हो जाएगा, अपने आप चली जाती है छोटे बच्चों की। बट जब आप बड़े हो जाते हो, टीनेजर हो जाते हो, या फिर एट द एज ऑफ 30 या 20 के एज में भी अगर आपको मीलिया की शिकायत है, तो आप नेचुरल तरीके से इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ में एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है दोस्तों, और ये आपके मीलिया को ठीक करने का बहुत अच्छा सा काम करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, तो मैं स्किन केयर होम रेमेडीज बहुत सारे लेकर आते रहती हूँ अपने चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करें, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों की एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे एलोवेरा जेल लेना है। आप मार्केट की कोई भी एलोवेरा जेल ले लीजिए। फ्रेश वाली एलोवेरा जेल अगर आप लेंगे तो उसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे मार्केट की एलोवेरा जेल लेनी है। ये आपकी स्किन को सूथ प्रोवाइड करेगा। हनी आपको लेना कंपलसरी है, क्योंकि हनी से जो आपकी मीलिया की प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व होती है, और आपके स्किन के इरिटेशन को ये कम करती है। मीलिया जो होते हैं, जो बम्स होते हैं, टाइनी बम्स, उसे रिड्यूस करने का बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी के साथ साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे गुलाब जल। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा सूद प्रोवाइड करेंगे, और जो मीलिया जो बम्स होते हैं उसे एकदम से टाइनी और छोटे छोटे धीरे धीरे हो जाएंगे, और वो पूरे रिड्यूस हो जाएंगे। मीन्स थोड़े दिनों में आप देखोगे कि ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। अच्छी तरह से इन सारी पेस्ट को आपको मिक्स कर लेना है। अगर आपके फेस पे टाइनी बम्स या किसी भी कारण से इन्फेक्शन की वजह से कोई भी पिंपल्स या मुहासे हुए हैं, तब भी ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। हमें इसे अच्छे तरह से सबसे पहले मिक्स कर लेना है सारी इंग्रेडिएंट्स को। आप सभी जानते हैं कि जो बेबी के ऊपर मीलियाज दिखते हैं वो डिसअपेयर जल्दी हो जाते हैं, बट बड़ी उम्र में जो मीलिया होते हैं वो जल्दी डिसअपेयर नहीं होते। इस तरह से इस क्रीम को देखिए एकदम रेडी करना है। इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पर नीम पाउडर। नीम पाउडर आपको लेना मस्ट है दोस्तों। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, और इसीलिए नीम का पाउडर आपको लेना मस्ट है। तो नीम का पाउडर आप ले लीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। क्रीम को मिक्स करने के बाद आपको नीम का पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये सारी जो चीज़ें हैं आपके स्किन को सूथ प्रोवाइड करेंगी, और जो टाइनी टाइनी बम्स हो गए हैं फेस पे उसे रिड्यूस करने का बहुत अच्छा काम करती हैं। इसे डेली आप लगा सकते हो। मेरी स्किन पे भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली मैंने अपने चेहरे पर मेकअप एंड ऑल भी किया, बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट मिला है दोस्तों। इसे ज़रूर ट्राई करें अगर मीलिया की प्रॉब्लम है, चाहे आपके फेस पे पिंपल्स की प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छी तरह से ये कील मुहासों को दूर कर देती है, आप देख सकते हो। बहुत पहले ये मेरे फेस पे ही जनरेट हुआ था, और मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना करके रखी थी। जहाँ जहाँ पे आपको बम्स दिखे आप वहाँ पे लगा लें, और अच्छी तरह से इसे लगा करके रात में छोड़ दीजिए। कम से कम इसे अपने चेहरे पे एक घंटे ज़रूर लगा के रखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा विद इन अ 7 डेज़। इसे अच्छी तरह से लगाने के बाद आपको गर्म पानी के साथ ही आपके फेस को वॉश करना होता है दोस्तों। इस तरह से आप चाहें तो पूरे फेस पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं।